सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 15 सितंबर दिन शुक्रवार को भादो मास की बड़ी स्नान दान की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या तिथि पर यदि आप देवादिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। यदि सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इस उपाय के लिए आपको प्रदोष काल के समय यानी कि रात्रि 8 बजे से पूर्व ही इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय के लिए 5 पुष्प की आपको आवश्यकता होगी। जी हाँ, 5 लाल पुष्प आपको ले लेने हैं। ध्यान रखें कि जो लाल पुष्प आप ले रहे हैं वह ताजे होने चाहिए। ताजे पुष्पों के साथ ही आपको एक सिक्का भी ले लेना है। कोई भी लाल पुष्प आप ले सकते हैं, चाहे तो गुलाब के ले ले, जासौन के ले ले, बस ध्यान रखिए जो केतकी के पुष्प आपको नहीं लेने हैं। 5 पुष्पों को लेकर जो एक सिक्का है उसे लेकर प्रदोष काल के समय पर महादेव के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाकर क्या करना है, आपको एक एक कर पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करना है। फिर जो सिक्का आप लेकर गए हैं उसे अपनी हथेली पर रखें, मुट्ठी बांधे अपनी कामना को कहें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। 5 से 10 मिनट मंदिर में बैठने के बाद, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, उस सिक्के को वापस ले आएं और उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखें। कहते हैं सिक्के को तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो अमावस्या तिथि पर इस एक उपाय को अवश्य करें और उपाय अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।